मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत हनुमना विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कतिपय कारणों से निलंबित होने पर हनुमना ब्लॉक में शिक्षकों को वेतन न मिलने के कारण शिक्षक काफी समस्या का सामना कर रहे हैं। उसी को देखते हुए हनुमना विकासखंड के शिक्षक और आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई हनुमना के द्वारा ब्लॉक में विकासखंड शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति के लिए मांग की गई है, जहां इन दिनों पद खाली होने के कारण शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। वहीं इन दिनों त्योहार का भी महीना चल रहा है, आने वाले दिनों में त्योहार आने वाले हैं, वेतन न मिलने के कारण शिक्षकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शिक्षकों के द्वारा कई तरह के ऋण लिए गए हैं, लेकिन वेतन न मिलने के कारण किस्त जमा करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अध्यापक संघ के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला प्रशासन से विकास खंड शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति के लिए मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रा 24 न्यूज। समस्या ये है कि हमारे यहाँ के जो विकास खंड शिक्षा अधिकारी थे श्री आर डी साकेत जी, वो निलंबित हैं। तो जो हमारे यहाँ का जो हमारे ब्लॉक का जो काम है पूरा, सबसे बड़ी समस्या है वेतन विसंगति, वेतन की। तो जब से वो सस्पेंड हुए हैं तो वेतन टाइम से नहीं मिल पा रहा है। हमारे कई शिक्षक साथी लोन लिए हैं बैंक से, उनको एक्स्ट्रा में कटौती करनी पड़ेगी, उनका नुकसान हो रहा है। और हमारे ब्लॉक के कई कार्य जो ऐसे हैं जो सब प्रभावित हो रहे हैं विकास खंड शिक्षा अधिकारी के अभाव में। इसलिए हम लोगों का प्रयास ये है कि तत्काल यहाँ विकास खंड शिक्षा की अधिकारी की नियुक्ति की जाए, या तो किसी और जो व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था की जाए जल्द से जल्द। पूरी नहीं होगी तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे उसमें, यहाँ से जिले तक। सामने त्यौहार है, सब हमारे कर्मचारी बेचारे परेशान हैं, बहुत दूर दूर से कर्मचारी यहाँ आए हैं जो कम वेतन पा रहे हैं। बेचारे समय पर नहीं मिलेगा तो उनके पास समस्याएं आएंगी, बाल बच्चे लेके अपना है यहीं व्यतीत कर रहे हैं बेचारे समय। हैं त्रिपाठी, किस पद पे हैं? मैं आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ का ब्लॉक इकाई हनुमना का सचिव। अभी आप लोगों को क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो पदेन विकास खंड शिक्षा अधिकारी हनुमना आर डी साकेत थे, उनको माननीय कमिश्नर महोदय के द्वारा कुछ कारणों से निलंबित कर दिया गया है 18 जुलाई को। और अभी तक 18 जून के यहाँ पर उनके सस्पेंशन के बाद किसी भी बीओ की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है शासन के द्वारा, जिससे यहाँ पर 1300 कर्मचारी लगभग ये शिक्षा विभाग में पदस्थ हैं और उनका माह जुलाई का वेतन अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है बीओ के अभाव में। आगे त्यौहार भी हैं, हिंदुओं के त्यौहार हैं, जिसके कारण लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। तो अपने कलेक्टर महोदय से एवं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से ये मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ पर तत्काल किसी को बीओ का प्रभार दिया जाए, जिससे कि हम लोग समय से वेतन और अन्य रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं उनके मद हैं उनका भी समय से स्वत अपना वो प्राप्त कर सकें। कई समस्या